चलिए, तो हमने पिछले लेक्चर में देख लिए थे 1004 क्वेश्चन तक कंप्यूटर साइंस से संबंधित जीके चल रहा है, जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। चलिए, 1005वां क्वेश्चन है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया तथा पहला कंप्यूटर था, तो सी ऑप्शन सही है, यूनिबैक, सी ऑप्शन सही है इसमें। 1006वां क्वेश्चन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो बी ऑप्शन परम। 7 क्वेश्चन है, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था, तो बी ऑप्शन सही है इसमें, बेहद एकीकृत परिपथ। आठ 1008वां क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, तो बी ऑप्शन सही है, रॉल्व। 9वां क्वेश्चन है, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो कि किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं, तो डी ऑप्शन है, एम्बेडेड कंप्यूटर। 10वां क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर है, तो सी ऑप्शन सही है, इसमें में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे तेज कौन सा है, तो सी ऑप्शन है, रजिस्टर। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है, तो बी ऑप्शन सही है, सुपर कंप्यूटर। 13वां क्वेश्चन है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, तो सी ऑप्शन सही है, इंटीग्रेटेड सर्किट। 14वां क्वेश्चन है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ईनेक को बनाया था, तो सी ऑप्शन सही है, प्रेसपर एकर्ट एंड जॉन मॉसले ने। 15वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी सपोर्टिंग सिस्टम जो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल की गई है, ए ऑप्शन ट्रांजिस्टर। 16वां है, किस वैज्ञानिक ने प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था, तो सी ऑप्शन है, ब्लेज पास्कल। 17वां क्वेश्चन है, किस पर्सनल कंप्यूटर की शब्द लंबाई होती है, तो डी ऑप्शन 64 बिट्स। 18वां है, निम्नांकित में कौन सा एसएस मेथड कैसेट टेप को एसएस करने में प्रयुक्त होता है, तो बी ऑप्शन है, सिक्वेंशियल। 19वां क्वेश्चन है, आईसी मींस, आईसी का मतलब होता है, बी ऑप्शन है, इंटीग्रेटेड सर्किट। 20वां क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, बी ऑप्शन कंप्यूटर। 21वां, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, तो डी ऑप्शन है, डेटा। 22वां, सर्वर किसके द्वारा जुड़े रहते हैं, तो ये ऑप्शन, नेटवर्क। 23वां, किसी का सार्वजनिक स्थल पर किसी सूचना को प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बी ऑप्शन सही है, टच स्क्रीन कायोस्क। 24वां क्वेश्चन है, MP3 क्या है, तो सी ऑप्शन सही है, साउंड फॉर्मेट। 25वां का क्वेश्चन है, कंप्यूटर, तो इसमें डी ऑप्शन है, सभी चारों मतलब आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति। दूसरा है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम। तीसरा है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम। चौथा है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होते हैं। चारों ऑप्शन सही है। 26वां, देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, तो डी ऑप्शन, मलपुरम केरल, डी ऑप्शन सही है। 27 से भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, तो डी ऑप्शन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है, तो डी ऑप्शन सही है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। उनतीसवां क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सी ऑप्शन है, कंट्रोल यूनिट। 30वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को कहते हैं, तो सी ऑप्शन, इनपुट। 31वां, सी, कोबोल, पास्कल, जावा आदि किसका उदाहरण है, तो बी ऑप्शन, हाई लेवल लैंग्वेज। 32वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जो आईसी चिप इस्तेमाल की जाती है वह किसकी बनी होती है, तो डी ऑप्शन, सिलिकॉन। 33वां क्वेश्चन है, किसी फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या होता है, तो बी ऑप्शन सही है, 3.5।
34 है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो डी ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग। 35 है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करते हैं करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में उपयोग के लिए स्टोर कराती है कहलाती है। तो बी ऑप्शन सही है, कंप्यूटर। 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के गुण हैं? तो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, त्रुटि रहित कार्य करना, गोपनीयता, तीव्र गति। 37वां क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है? तो सी ऑप्शन सही है, इसमें डाटा को उपयोगी बनाना। 38 है अपना, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है? तो ई ऑप्शन सीपीयू द्वारा। 39 है, कंप्यूटर क्या है? तो ए ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। 40 क्वेश्चन है, किसी मेमोरी डिवाइस में कौन सा सर्किट इस्तेमाल किया जाता है? सी ऑप्शन है फ्लिप फ्लॉप। 41वां क्वेश्चन है, इनमें से मैं सबसे छोटा इनमें से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? तो ये ऑप्शन नोटबुक। 42 है, ALU किस प्रकार का कार्य करता है? तो बी ऑप्शन है अर्थमेटिक। 43 क्वेश्चन है, वह डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजता है कहलाता है इनपुट। ये ऑप्शन सही है। 44 है, चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है? तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी अक्षरों का, अंकों का, चिन्हों का। 45 है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो सी ऑप्शन है बुद्धिहीन। 46 है, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है? तो ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, सब है मतलब। 47 है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो डी ऑप्शन है चिन्ह संख्यात्मक सूचना को। 48 है, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉडेम आदि डिवाइस और किस नाम से जाने जाते हैं? तो बी ऑप्शन है पेरिफेरल। 49 है, इनमें से कौन सा एक स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो डी ऑप्शन कोई नहीं। 50 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? बी ऑप्शन 2 दिसंबर को। 51 क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है? तो डी ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। 52 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो डी ऑप्शन एकत्रित डेटा को। 53 है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग नहीं है? तो डी ऑप्शन है ALU। 54 है, CD किस प्रकार की होती है? तो ए ऑप्शन गोलाकार। 55वां क्वेश्चन है, मॉनिटर या स्क्रीन भी कहलाता है? सी ऑप्शन डिस्प्ले। 56 क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पर प्रोग्राम या डाटा आदि संग्रहित किए जाते हैं? तो बी ऑप्शन है मेमोरी। 57 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक सिस्टम यूनिट का भाग है? तो बी ऑप्शन CPU। 58वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है? सी ऑप्शन कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। 59 क्वेश्चन है, CPU निम्नलिखित में से क्या है? तो ए ऑप्शन चिप। 60वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है CPU को। 61 क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ घटक ही नहीं बल्कि सूचनाओं को संसाधित करने वाला साधन भी है? तो डी ऑप्शन सही है, आवा मतलब गणतीय अगणतीय। CPU का क्या कार्य है? तो बी ऑप्शन है प्रोसेसिंग करना। 63 है, फ्लॉपी ड्राइव है? तो सी ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस। 64 है, वह कंप्यूटर जिसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है कहलाता है लैपटॉप। शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो ए ऑप्शन सुपर कंप्यूटर। 66 है, परम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ए ऑप्शन है CDEC। 67 है, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ होता है? ए ऑप्शन एक्सचेंज, सी ऑप्शन सही है एक्सचेंज क्लेइंग स्टैंडर्ड। 68 है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो ए बी ऑप्शन सही है डाटा को। 69 है, मानव मन या तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो ये ऑप्शन मानव मन। 70 है, कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है? तो ये ऑप्शन है आभासा मतलब तीनों, डेटा का संकलन, निवेश, डेटा का संचय, डेटा संसाधन, इंफॉर्मेशन का निर्माण, पुनर्निर्गम। 71 है, असेंबलर का कार्य? तो सी ऑप्शन है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। 72, निम्न में कौन सी एक कंप्यूटर पद नहीं है? तो डी ऑप्शन है मोड।
कंप्यूटर की क्षमता है तो ये ऑप्शन सीमित। 74 कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है तो ये ऑप्शन निवेश। 75 है हमारा कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य होता है मतलब तो रैंडम एक्सेस मेमोरी से, बी ऑप्शन सही। 76 है एक युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है तो कहलाता है ए मॉडेम। 77 है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है तो सी ऑप्शन सीपीयू। 78 है कंप्यूटर तो डी ऑप्शन इनमें से सभी हैं, ये चारों सही हैं। कंप्यूटर आंकड़ों को भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, डी ऑप्शन सही है। इसमें 79 वाय SMS का अर्थ होता है, बी ऑप्शन सही है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। 80 है कोबोल क्या है तो बी ऑप्शन कंप्यूटर भाषा है। 81 कॉम्पेयर है तो ए ऑप्शन सही है, ALU का अर्थमेटिक कार। 82 है CPU का मुख्य घटक होता है तो डी ऑप्शन है, ये सभी मतलब कंट्रोल यूनिट मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 83 हमारा कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किसकी बनी होती है तो ए ऑप्शन सिलिकॉन। 84 है प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, बी ऑप्शन सही है, आउटपुट। 85 इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो सी ऑप्शन है, CPU द्वारा। 86 है कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है तो ये ऑप्शन हार्डवेयर। 87 है कंप्यूटर की भाषा में 1 MB में कितने बाइट होते हैं तो डी ऑप्शन है, 1048576, डी ऑप्शन सही है। 88 है कंप्यूटर का भाग जो जोड़ घटाव गुणा भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, ये ऑप्शन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कहलाता है। 89 आउटपुट क्या है तो डी ऑप्शन है, वो है जो प्रोसेसर यूजर खुद दे। CPU से तात्पर्य है, बी ऑप्शन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 91वां क्वेश्चन है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है तो सी ऑप्शन है, आउटपुट। 92वां क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, बी ऑप्शन सही है, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। 93वां क्वेश्चन है बाइनरी संख्या में प्रयुक्त होती है, सी ऑप्शन 2 संख्या है, 1 KB बराबर होता है तो डी ऑप्शन 1024 bytes। 95वां क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है तो सी ऑप्शन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 96वां क्वेश्चन है कच्चे तथ्य रो फर्स्ट बताता है जबकि से डाटा पूर्ण बन जाता है तो बी ऑप्शन सही है, डाटा सूचना। 96वां क्वेश्चन है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कौन सा है तो सी सेंट्रल प्रोसेसिंग। 97वां क्वेश्चन है याहू गूगल MSN क्या है तो ए ऑप्शन सर्च इंजन। 98वां क्वेश्चन है शब्द आवाज इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुमोदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे के रूप में जाना जाता है तो सी ऑप्शन इनपुट डिवाइस से। 99 कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग सम्मिलित है तो ई ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट व ALU। 1100वां क्वेश्चन है इंटरनेट व WWW का अर्थ होता है तो सी ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेव। 1101 क्वेश्चन है आइनिक का पूरा रूप है तो सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। 1102वां क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहते हैं ये माइक्रोचिप। तीसरा क्वेश्चन है प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है तो सी ऑप्शन CPU। 4th क्वेश्चन है कंप्यूटर में किसके द्वारा इनपुट किया जाता है तो सी ऑप्शन कीबोर्ड द्वारा। 5वां क्वेश्चन है पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC कब विकसित हुआ तो 1956 में, डी ऑप्शन सही है। CPU का प्रमुख कार्य है तो डी ऑप्शन आवास सा, ठीक है डी ऑप्शन सही है। 1107 है सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर में होते हैं तो सी ऑप्शन सही है।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आठ क्वेश्चन है, कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को क्या कहा जाता है? डी ऑप्शन आउटपुट। नौवां क्वेश्चन, किस क्षेत्र के साथ बाई टू के समस्या संबंधित है? तो ये ऑप्शन कंप्यूटर। दसवां क्वेश्चन है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है तो डी ऑप्शन में जोड़ घटाना गुणा और भाग होता है, डी ऑप्शन सही है। ग्यारहवां, ग्यारह ग्यारह है, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह का निरूपण करता है तो इसमें डी ऑप्शन सही है, कंप्यूटर सिस्टम। बारहवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर कंपनी कंप्यूटर उद्योग से संबंधित नहीं है? तो डी ऑप्शन डिजिटल। तेरहवां है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप सामान्यतः किससे बनाई जाती है? तो सिलिकॉन। चलिए हमने देख लिए, इसमें लास्ट पार्ट था ये कंप्यूटर से संबंधित, जिसमें 1100 पूरे क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं पूरे अभी तक, 1113। चलिए इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, इन सभी पार्टों को आप देखें जिससे किसी भी परीक्षा में कोई भी समस्या ना आए। चलिए खत्म करते हैं।